हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है बजाज कॉलेज ऑफ साइंस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बजाज कॉलेज ऑफ साइंस है, यहाँ पे जो है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे नोटिफिकेशन आया है बजाज कॉलेज ऑफ साइंस से आया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सोसाइटी है वो शिक्षा मंदिर वर्धा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बजाज कॉलेज ऑफ साइंस है, यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है जो कि परमानेंट वैकेंसीज है। आप देख सकते हैं मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सारे जो है साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। और इन सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट भी मैंशन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4 पोस्ट है, जूलॉजी के लिए 4 पोस्ट है, बॉटनी के लिए 4 है, केमिस्ट्री के लिए 5 है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2 है। तो आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो नेचर ऑफ पोस्ट है फुल टाइम यानी कि रेगुलर पोस्ट है, जो वैकेंसी वो कॉन्ट्रेक्चुअल या नॉन गारंटेड की बेस पे है, ठीक है। और जो कैटेगरी ओपन है, यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी भी मेंशन कर रखी है, जैसे कि जनरल के लिए 1 सीट है, 4 सीट जो है वो भी जनरल के लिए, तो ओपन कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी है जो अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। और पोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नंबर नेचर ऑफ पोस्ट है वो फुल टाइम पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब वैकेंसी इन्होंने दो यहाँ मेंशन कर रखी है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन ग्रांटेड है। तो यहाँ पे तो वैकेंसी आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल है या नॉन ग्रांटेड है, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन जो पोस्ट है वो फुल टाइम इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे जो पे स्केल वो आपको मिलेगा एज पर UGC एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ इक्विवेलेंट डिग्री में, और एक और आपका जो है यहाँ पे CSIR नेट होना जरूरी है, या आपका जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन PhD का 2009 से पहले कराया है, तो उनका जो डिग्री है PhD डिग्री वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, उनके थीसिस को एटलीस्ट 2 एग्जामिनर इवेल्यूएट करना होना चाहिए, और उसका जो है PhD वायोवाइज ओपन हुआ होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 पेपर जो है उनके रिसर्च वर्क से भी PhD वर्क से होने चाहिए। साथ ही साथ 2 पेपर्स होने चाहिए या जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में प्रेजेंट किए हों। इसके अलावा अगर आपने जो है PhD अब्रॉड से किया है, तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है टॉप 500 रैंकिंग में आनी चाहिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और जो रैंकिंग रहेगी वो रहेगी QS, DA और ARWU। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने PhD की है वो टॉप 500 में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दीज 3 रैंकिंग्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन की। तो देखिए यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है वो SC ST को दिया जाएगा, साथ ही साथ डिफरेंशली एबल्ड को भी यहाँ पे जो है 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा मास्टर डिग्री में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो जो आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है वो प्लेन पेपर पे अप्लाई करना है, एंड एड्रेस टू द प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको प्लेन पेपर भी अपना जो है लाइक एप्लीकेशन अप्लाई करना, साथ ही साथ आपको अपने जो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो हैं, आपकी मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेट, गेट, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, या आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सारा जो है आपको अपने CV के साथ या अपना एप्लीकेशन के साथ जो है वो सेंड कर देना है प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर बजाज कॉलेज ऑफ साइंस, जमनालाल बजाज मार्ग, सिविल लाइन, ताल वर्धा, डिस्ट्रिक्ट वर्धा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट 12 जनवरी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है ये जॉब से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सिवियरली आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।